गणपति न आते हैं न जाते हैं, वो तो सर्वत्र ही विराजमान है। अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की उनके भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से विदाई की, लेकिन भगवान कहाँ कहीं जाते हैं, वो तो कण कण में समाये हुए हैं। और ना ही भगवान को याद करने के लिए किसी ठोस दिन, त्योहार या वजह चाहिए होती है। भगवान को तो जब भी दिल से पुकारो, वो किसी ना किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको एक अनोखे मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। गणपति के अनोखे स्वरूप वाला ये मंदिर गोबर गणेश के नाम से जाना जाता है। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस समय मंदिर में गणेश भक्तों की आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन गणपति जी के दर्शन करने आता हूँ। और ये 500 साल पुरानी मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि नलखेड़ा एक नगर है, बसा लखुंदर तीर है। तो प्रवेश द्वार के गणपति जी को सभी नमाते शीश, यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं पूरी श्रद्धा से यहाँ नमन करते हुए यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। ये गणपति जी गोबर से बने हुए, काफी टाइम तक गोबर टिकता नहीं है, पर तो यहाँ प्रतिभा में इतनी शक्ति है कि यह गोबर अभी तक इसमें मौजूद है, इसलिए यहाँ का महत्व है। सभी दर्शनार्थी आते हैं, जो भी बगला सभी बुगला मुखी के सभी दर्शनार्थी करीब करीब जिसको मालूम है यहाँ इसकी महिमा जो जानता है वो यहाँ अवश्य आता है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में आता है, गोबर गणेश उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार गोबर के ये गणेश किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। खाली झोली लेकर आए भक्त यहाँ से खुशी खुशी जाते हैं। बताया जाता है कि नलखेड़ा में गोबर के गणेश की ये प्रतिमा सैकड़ों वर्षों पुरानी है। कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं आप? 40 वर्ष से ऊपर हो गए गोबर गणेश है। कितने वर्षों पुरानी प्रतिमा है? 5 साल 500 वर्ष दरवाजा बोलता है, गणेश दरवाजा बोलते हैं, यहाँ पे स्थित है। 40 वर्षों से पूजा कर रहे हैं आप यहाँ पे? 40 वर्ष है ना। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान जिले के नलखेड़ा में गणेश दरवाजा स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में श्री गणेश की 500 साल से अधिक पुरानी इस प्रतिमा का अनुपम श्रृंगार किया जाता है। कमल के फूल पर विराजित ये प्रतिमा श्रृंगार के बाद और भी मनमोहक और आकर्षक लगती है। मंदिर में गणेश जी का श्रृंगार देख लोग भाव विभोर हो उठते हैं। गोबर के श्री गणेश की इस विशाल प्रतिमा के साथ साथ आसपास रिद्धि सिद्धि की प्रतिमाएं भी विराजित हैं और गणेश जी के पैरों के पास मूषक भी बना हुआ है। वहीं गणपति के एक हाथ में लड्डू है। वैसे तो सामान्य दिनों में भी मंगल मूर्ति गणेश के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन गणेश उत्सव के दौरान भक्तों की भीड़ कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। इस दौरान भगवान गणेश का मनोहारी श्रृंगार अपनी अलग ही छटा बिखेरती है। पंजाब केसरी के लिए सैयद जाफर हुसैन की रिपोर्ट।